जिम्मेदार देवदूतों का अमानवीय चेहरा आया सामने। हॉस्पिटल प्रबंधन पर लगा कोविड मरीज की आंख निकालने का आरोप। जेएचके मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का मामला। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर मरीज के ऑर्गन निकालने का लगाया गंभीर आरोप। दोषियों पर होगी कार्रवाई, फिलहाल अंगों से छेड़छाड़ हुई अथवा नहीं स्पष्ट नहीं। एसडीएम प्रस्तुत है ग्वालियर से गजेंद्र जैन की एक रिपोर्ट। जी हां, ग्वालियर में कोरोना के एक मरीज की संदिग्ध मौत हो जाने के बाद परिजनों ने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में जमकर हंगामा किया। मृतक के परिजनों का आरोप है कि उनके मरीज की कल रात तक तबीयत एकदम ठीक थी, लेकिन सुबह ही उसकी मौत की खबर आ गई। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर मरीज के ऑर्गन निकालने का गंभीर आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। ऐसे में मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराने का प्रयास किया और मामले की जांच पड़ताल शुरू की। मेरा नाम शिशुपाल सिंह सेंगर। क्या नाम है? ये अभिषेक शेखर वार है, ये भतीजा है मेरे साड़ू का लड़का। क्या हुआ है? इसको कोरोना हुआ था, ये तो इसको पहले वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था प्राइवेट, वहाँ पे उन्होंने बोला कि ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन नहीं है, जे नहीं है, और उसको कह करके 1.5 लाख रुपये करीब हमारे खर्च हो गए। उसके बाद उन्होंने भगा दिया वहाँ से, ऑक्सीजन ही निकाल दिया, पटक दिया था नीचे कि ले जाइए आप। तब भाग दौड़ करके हमने इसमें करवाए, ये भी नहीं ले रहे थे, हमने फ़ोन वोन करवाए इधर से, शिकरवार जी के पास में गए, सतीश शिकरवार जी के पास में, तब बड़े में उनके उन्होंने जो गार्डमैन गनमैन वगैरह थे फ़ोन वोन किए, तब जाके उन्होंने एडमिट किया। क्या क्या मामला है? अब ये मामला ये है कि उसको वो एक्सपायर हो गया सुबह 5:40 पे, उसके बाद से हम लोग 6 बजे यहाँ पे आ गए, 6 बजे से हम यहीं कह रहे हैं कि बॉडी तो निकाल दो साहब, बॉडी तो निकाल दो, तो कहाँ आ रही है आ रही है आ रही है, ऐसे करते करते इन्होंने 12 बजा दिए। 2 घंटे तो बोले लिफ्ट में, बोले ला रहे हैं लिफ्ट से ला रहे हैं, फिर 2 घंटे वो नहीं आया, बोले कैसा लिफ्ट है, लिफ्ट से नहीं आ पा रहा, तो बोले लिफ्ट लाइट चली गई, लिफ्ट ख़राब हो गई, ये हो गई। फिर जब बॉडी लेके आए तो उसका पूरे मुंह पे खून कच्चा, ताज़ा खून टपक रहा। आप बताइए ताज़ा खून कैसे? हाँ मैं तो आँखें ऐसी हैं, आँखों के ऊपर खून जमा, 2 घंटे तो लाश पड़े पड़े, ब्लड जम गया उसके, ताज़ा खून टपक रहा था उस समय। तो शकल दिखाई आपको? शकल हाँ दिखाई उन्होंने, तभी तो पता चला कि पूरे मुँह फेस से ब्लड ही ब्लड है, ब्लड ही ब्लड है। आप कोरोना में डेथ होती है तो फेफड़े संक्रमित रहते हैं, डेथ कैसे होती है? तो क्या ब्लड निकलता है? क्या कितना ब्लड निकलता है कि पूरा मुँह पूरी बॉडी भर जाए ब्लड से? घोर लापरवाही। और यहाँ पे सारा डॉक्टर सारे भाग गए, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई बताने के लिए तैयार नहीं है कि मतलब ये ब्लड क्यों निकल रहा है, हम ये पूछ रहे हैं क्यों निकल रहा है, तो कोई डॉक्टर ही नहीं है। बड़े मुश्किल से तो पुलिस आई, उन्होंने तब जाके एसडीएम को इनको बुलाया, तब ये लोग आए, नहीं तो कोई था ही नहीं यहाँ पे। और अभी भी कोई नहीं है, कोई इलाज करने कोई पता नहीं है क्या इलाज कर रहे हैं, अंदर दिखाते तक पेशेंट को देख सकता नहीं है, ऊपर पेशेंट चला गया, कोई पता नहीं है कि उसका क्या हो रहा है, उसका इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा, ऑक्सीजन मिल रही है कि नहीं मिल रही, कोई जानकारी नहीं मिल रही। अरे ऐसा है तो आप अंदर सीसीटीवी कैमरे लगवाइए, बाहर स्क्रीन लगवाइए, पेशेंट की हालत दिखाई दे उनके परिजन को। डॉक्टर ही बता पाएंगे, लेकिन यह सब चीज़ें डॉक्टर।